और इसी हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आज आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल हाथरस जाएगा। यूपी कैबिनेट के मंत्री अनिल कुमार के नेतृत्व में जाएंगे सभी नेता। विधायक प्रदीप चौधरी, एमएलसी योगेश नौहर जाएंगे। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष ब्रजेश चाहर भी हाथरस पहुंचेंगे। घटनास्थल की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी, उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल आज हाथरस जाएगा। हाथरस में जो भीषण हादसा हुआ है, यहां के हालात को लेकर के जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को दी जाएगी। ये जो भीषण हादसा हुआ है, इसको लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दल भी यहां पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधित्व में ये पूरा जो मंडल है वो पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल, आपको बता दें कि एमएलसी योगेश नौहर जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष ब्रजेश चाहर भी पहुंचेंगे, और साथ ही साथ अनिल कुमार जो कि यूपी कैबिनेट के मंत्री है, उनके नेतृत्व में ये सभी जाएंगे। और हमारे दोस्त सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए नीतीश पांडे हैं, और साथ ही साथ राजू राज है जो कि आश्रम के अंदर से हैं। राजू, अंदर आश्रम के अंदर से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, बात करें और बताएं। बिल्कुल बता दूंगा चाहूंगा चंदन, कासगंज के बहादुर नगर ये गांव है और बाबा नारायण साकार का यह पैतृक गांव है। और आश्रम के अंदर भी मैं गया वहां पर, तमाम सेवादार से बात किए। कोई ऐसे सेवादार हैं जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर रह रहे हैं। हालांकि बाबा पिछले कई सालों से अपने गांव में नहीं आए, लेकिन बाबा का जो पूरा सिस्टम है उनके सेवादार देखते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इसी गाँव के रहने वाले? जी, इसी गाँव रहने वाले हैं। तो बाबा यहाँ पर कब कब आते हैं? सर यहाँ से लगभग 14-15 साल से नहीं आए लगभग। अच्छा, 2008 से आए नहीं है वो। अच्छा, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है इसलिए नहीं आए। अच्छा, ये बताइए कि कल जो हादसा हुआ उसके बाद से बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? जो कल जो हादसा हुआ है, मान के चलो जो कल जैसे हादसा हुआ है, यहाँ पे कोई कुत्ता बौरा ना आ जाए और वो आप पे काटने को दौड़े, तो आप ये दीवार फलांग जाओगे अपने बचाव के लिए। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ वगैरह रखा हो, किसी ने नहीं रखा हो, किसी ने कह दिया हो, तो जनता भाग बड़ी हो इसी में। बाबा चमत्कार करते हैं, बाबा लोगों का दुख दर्द निवारण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इतने सारे लोग मारे गए, 117 लोग मारे गए, क्या उनके लिए बाबा को नहीं सामने आना चाहिए? सुनो, बाबा लोगों का दुख दूर करते हैं, जिनका लाभ होता है वो लोग आते हैं, जिनका लाभ होता है वो लोग आते हैं। अगर मान के चलो जिनका किसी का लाभ नहीं हुआ है, एक बार आदमी आएगा, ठीक है, ये अंधविश्वास है, ये अंधभक्ति है जो कि यहाँ देखने को मिल रही है। इतने बड़े हादसे के बावजूद उसके जो समर्थक है बाबा के, वो उसकी कोई गलती नहीं मान रहे हैं। नीतीश, इन सब के बीच अगर बात की जाए मैनपुरी आश्रम को लेकर के, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है, और बाबा के वेयर अबाउट्स को लेकर के किस तरह की पड़ताल की जा रही है उसे पकड़ने के लिए? रहस्यों में है बाबा का यहाँ से लापता होना, बाबा का यहाँ से पलायन कर जाना। तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए ये पूरा आश्रम और लगभग 10 एकड़ ये पूरा आश्रम का क्षेत्र है, जिसमें निर्माण आपको लगभग अगर बात करें तो 1.5 से 2 एकड़ में निर्माण मिलेगा, और उसके बाद खाली जमीनें चारों तरफ आपको जो खाली जमीनें दिखाई दे रही हैं वो सब इस आश्रम से संबंधित जमीनें हैं। कहा यह जाता है कि बाबा इस खाली जमीन पर टेंट लगाते हैं और अपने समर्थक अपने अनुयायियों को यहाँ पर ज्ञान देते हैं, उनके लिए भक्ति का जो रस है वो पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बाबा जो है ये जमीन, और इस जमीन के साथ ही ये गेट हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा इस गेट से प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन प्रवेश करने के बाद बाबा फिर बाहर नहीं देखे जाते हैं। प्रशासनिक टीम भी उनको खोजने के लिए यहाँ पर पहुँचती है, बाबा देखे नहीं जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था अभी यहाँ पर है, चाक चौबंद है, सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है, लेकिन बाबा अभी भी लापता है, बाबा अभी यहाँ पर नहीं मिले हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब आश्रम में बाबा का आगमन होता है तो बाबा आखिर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? क्या आश्रम में कोई गुप्त रास्ता है, वहाँ से बाबा निकल के चले जाते हैं, या फिर बाबा कोई और भी तरीका अख्तियार करते हैं जो आश्रम से बाहर निकलने का होता है? और प्रशासनिक टीम की नजर आखिर इस पर क्यों नहीं पड़ती, पुलिस टीम की नजर आखिर इस पर? ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन को और पुलिस को तलाशने होंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहें।